में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले फिनो पेमेंट बैंक के बारे में। ये कंपनी सभी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। आप देख सकते हैं सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, डेबिट कार्ड, पेमेंट्स, और ये मर्चेंट बैंकिंग करती है, पर्सनल बैंकिंग करती है, इन्वेस्टर के साथ रिलेशंस है, और ये अप्लाई कर सकते हो आप इनके अकाउंट के लिए। और आप देख सकते हो ये कंपनी इंश्योरेंस, फिनो पे, रेफरल लेंडिंग और इनके अलग अलग ऑफर्स है लोन वगैरह के लिए। तो ये सभी प्रकार की बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी। और ये कंपनी अभी अभी मार्केट में लिस्ट हुई है और ये 50% डिस्काउंट पे अवेलेबल है दोस्तों। ये कंपनी अभी आप इसके बारे में और डिटेल में स्टडी कीजिए। ये वीडियो तो आप पूरा देखिए, बाद में और आप डिटेल में स्टडी कीजिए और फिर बाद में इसमें इन्वेस्ट कीजिए। आप देख सकते हो ये फर्स्ट पेमेंट बैंक टू गो लाइव विथ 410 ब्रांचेस एंड ओवर 25,000 बैंकिंग पॉइंट्स ऑन वन डे। ऑन डे वन, डे वन से इनके पास 25,000 बैंकिंग पॉइंट्स है और 410 ब्रांचेस है दोस्तों इनकी। और देख सकते पे हो, वी आर प्रेजेंट इन 90% ऑफ इंडिया इंडियाज डिस्ट्रिक्ट विथ ओवर 7,24,671 बैंकिंग आउटलेट्स है दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में, और 54 बैंक ब्रांचेस एंड 130 कस्टमर सर्विसेज पॉइंट्स है दोस्तों। फिनो पेमेंट बैंक वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 4 अप्रैल 2017। 2017 से कंपनी काम कर रही है। इन्वेस्टेड इन ICICI बैंक, BPCL, ब्लैकस्टोन, IFC फिनो पेमेंट, इनके अलग अलग नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड्स है, और ये इंप्रेसिव ग्रोथ दिखा रहे हैं दोस्तों एवरी ईयर। और इनका लाइट एसेट मॉडल है दोस्तों, इस वजह से ये अच्छा काम कर रहे हैं। बैंकिंग आउटलेट, मर्चेंट सर्विस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नीड इट्स कम्युनिटी विच इट टर्न फॉर्म बैकबोन एंड असिस्टेड डिजिटल इकोसिस्टम रेफर टू आवर साइक्लिक डिलीवर मॉडल। तो अभी हम आते कंपनी के ओवरव्यू पे। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,162 करोड़। ये स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों और इसका फेस वैल्यू 10। ये फ्यूचर में स्प्लिट बोनस दे सकते हैं। अभी हम आते कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। प्रमोटर है 75%, FII इज 10%, DA इज 9%, और पब्लिक देखिए, पब्लिक पब्लिक की अभी दिखाई नहीं, मैं आगे दिखाऊंगा, और अदर्स है 0.01%, और अभी देख सकते हो पब्लिक है बस 5.93% दोस्तों, और बाकी सब FII। प्रमोटर ने बड़ी होल्डिंग रख ली है अपने पास 75%, और आप देख सकते हो FII DI ने ही उठा लिया है 10-10%, और हमारे पब्लिक के पास बचा है 5% बस। और देख सकते हो अभी इस ये फाइनेंशियल्स एंड अदर्स में ये कंपनी आती है, और जिसमें मैक्स फाइनेंशियल एक नंबर पे है, और दो नंबर पे IWML, और तीन नंबर पे आता है फिनो पेमेंट। तीन नंबर पे ये कंपनी काम कर रही है दोस्तों, ये स्मॉल कैप कंपनी है। और अभी देख सकते हो इसका 52 वीक हाई था 583 रुपीज़, और 52 वीक लो है 246 रुपीज़, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम है दोस्तों एज कम्पेयर टू मैक्स फाइनेंशियल और IWML। मैक्स फाइनेंशियल का भी 25,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों, एज कम्पेयर टू इसका बहुत कम है, मगर ये अच्छा खासा ग्रोथ कर सकता है फ्यूचर में। अभी देख सकते हो इसका प्राइस चल रहा है 259 रुपीज़ पे, और ये 50% डिस्काउंट पे अवेलेबल है दोस्तों ये शेयर। तो इसका 52 वीक लो है 210 रुपीज़, और 52 वीक का है 582 रुपीज़। पिछले वन मंथ में ये शेयर 13% डाउन चल रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो 300 से इसमें गिरावट हो चुकी है, 260 रुपीज़ पे आ चुका है ये शेयर। और पिछले 6 महीने में देखिए 41% की गिरावट है दोस्तों, पिछले 6 महीने में 41% गिर चुका है ये शेयर। और पिछले 1 साल में देखिए दोस्तों 543 से इसमें गिरावट चालू हुई, और अभी भी गिरावट कंटिन्यू है इसमें, और गिर रहा है ये शेयर। 210 रुपीज़ से थोड़ी सी रिकवरी कर ली थी इसने, और अभी देख सकते हो मैक्सिमम देख सकते हो आप दोस्तों, ये शेयर अभी तक 52% डाउन चल रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। आप देख सकते हो ये कंपनी लिस्ट हुई है मार्केट में 12 नवंबर 2021 को दोस्तों। ये कंपनी को हार्डली 7 से 8 महीना हो चुका है दोस्तों, और ये कंपनी 52% गिर चुकी है। ये लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा बेनिफिट दे सकती है दोस्तों ये कंपनी। आप इसके बारे में और डिटेल में स्टडी कीजिए और बाद में इन्वेस्ट कीजिए। अभी आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है इसलिए इन्वेस्ट करने को मत जाइए। ये अभी अभी लिस्टेड कंपनी है, और प्रमोटर 75 होल्ड कर रहा है, FII 10%, DI 10%, तो कुछ तो होगा ना इस कंपनी में, अदरवाइज कौन होल्ड करेगा। FIIs DIIs तो ऐसे एंट्री भी नहीं करते स्मॉल कैप कंपनी में, मगर उन्होंने कर लिया है और होल्ड भी कर रहे हैं। और आप देख सकते हो ये कंपनी के प्रमोटर 75% होल्ड कर रहे हैं, तो सब कुछ अच्छा है दोस्तों इस कंपनी में। अभी ये रिजल्ट उतने अच्छे पेश नहीं किए, इस वजह से ये शेयर गिर रहा है दोस्तों। मुझे तो यही एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है अभी, तो इनके रिजल्ट उतने डाउन भी नहीं है और अप वहाँ भी नहीं है, उसी रेंज में खेल रहा है इनका रिवेन्यू, कम नहीं ज़्यादा नहीं, फिर भी ये शेयर भाग नहीं रहा है और होल्ड भी नहीं कर रहा है उसी प्राइस को, ये गिर रहा है नीचे। तो इस वजह से इस शेयर में आप नज़र बना के रख सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड कीजिए अगर आपके पास है तो, अदरवाइज आप ये एंट्री करना चाहते हो तो छोटी छोटी क्वांटिटी उठाते रहिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।